अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्रेड बाइलेट्रिया का दूसरा फाइलम, जो कि है फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा के अंदर बाइलेट्रल और सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हम लोगों ने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म की कैविटी होती है, जिसको हम स्यूडो सिलोम कहते हैं। और सूडो सिलोम ऐसी कैविटी होती है जो एक तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है, दूसरी तरफ से मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए आप इस चैप्टर का पहला लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। फाइलम नीमाटोडा में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? तो फाइलम नीमाटोडा का सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नीमाटोडा, या इसको हम एस्केलमेंथीस भी कहते हैं, तो इसका लफ्जी मतलब क्या है? नीमाटोडा का लफ्जी मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके दोनों एंड्स जो हैं ये पॉइंटेड होते हैं। वर्म लाइक बॉडी है और इसमें ये नुकीले, इनके जो किनारे हैं दोनों तरफ बॉडी के वो नुकीले होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम कॉमनली राउंड वर्म भी कहते हैं। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर तीन बेसिक लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मीजोडर्म होती है, जिससे बाकी सारे जो है ऑर्गन्स बनते हैं। फिर इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स सूडोसिलोमेट हैं, यानी कि इनके अंदर सूडोसिलोम पाई जाती है, जिसकी बेसिस पे हमने इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है। लंबी सी इनकी बॉडी होती है और देखने में ये बिल्कुल वर्म लाइक होते हैं। वर्म, ये इंग्लिश में हम ऐसे जो लंबे से कीड़े होते हैं इनको हम वर्म कहते हैं। और इनके दोनों किनारे जो हैं ये नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। तो नीमाटोडा का लफ्जी मतलब है पॉइंटेड एंड्स और एस्केलमेंथीस का लफ्जी मतलब है राउंड वर्म्स। इनकी जो बॉडी है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके हेड में और टेल में आसानी से डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है। बॉडी के दोनों एंड्स जो हैं वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो हेड और टेल का कोई वाजे फ़र्क इसमें नज़र नहीं आता। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाईलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि ओनली सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल ओरल बोरल एक्सिस डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस बॉडी को हम सिर्फ एक एंगल ऐसा है, यहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं वो आमतौर पे पेयर्स की फॉर्म में होंगे, मसलन ओवरीज हैं तो वो यहाँ पे भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं। और अगर हम बॉडी को इस एंगल से काटते हैं लंबाई के रुख, तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा अगर इसको किसी और एंगल से, किसी भी और दूसरे एंगल से काटने की कोशिश करेंगे तो बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गन ऐसे अरेंज्ड हैं, पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हैं, और वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट फिर नहीं होते। तो इनकी बॉडी जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसके अंदर ये है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, एक ही कंटिन्यूस कंपार्टमेंट है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इनकी बॉडी का ये है कि इनके अंदर सूडोसिलोम पाई जाती है। सूडोसिलोम क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सूडोसिलोम एक बॉडी कैविटी है, एक स्पेशल टाइप की सिलोम है जो ये बॉडी के अंदर, एक तो ये गट ट्रैक्ट है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट है उसका, उसके अंदर एक खाली खाना है। इसके अलावा भी बॉडी के अंदर एक खाली स्पेस है, और ये खाली स्पेस जो है उसके बाहर की तरफ ये जो है मीजोडर्म मौजूद है, और इसके अंदर की तरफ गट है यानी कि एंडोडर्म मौजूद है। तो इसके दोनों तरफ चूंकि मीजोडर्म मौजूद नहीं है तो इसको हम सिलोम नहीं कहते, इसको हम सूडो सिलोम कहते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो ये फॉल्स सिलोम है, ट्रू सिलोम नहीं है।
इसके अलावा इनके अंदर दूसरे कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स पाए जाते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इनके अंदर कोई प्रॉपर स्केलेटन मौजूद नहीं है। इनकी सूडोसिलोम जो है उसके अंदर यहाँ पर ये जो सारी सूडोसिलोम का एरिया है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं काफ़ी सारे, और ये सेल्स जो हैं इनके अंदर बड़े बड़े से वैक्यूल्स होते हैं, और इन वैक्यूल्स के अंदर प्रोटीन से बना से कंसंट्रेटेड प्रोटीन्स का एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, एक फ्लूड भरा हुआ होता है, और ये पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं और ये एक्ट करते हैं एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी कि वाटर बेस्ड स्केलेटन है। जिस तरह आप एक अगर गुब्बारा ले लें और उसके अंदर आप पानी भर दें तो ये गुब्बारा जो है ये पानी की वजह से उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है। अगर आप इसको दबाएंगे ऊपर से दोनों तरफ से, अगर यहाँ से जोर लगाएं तो क्या होता है कि ये गुब्बारा जो है वो लंबाई के रुख बढ़ जाता है। तो इसी ये जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। तो इनकी बॉडी के अंदर भी ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले सेल्स होते हैं जो बॉडी को मजबूती या सख्ती प्रोवाइड करते हैं। साइज जो है इनका वो आमतौर पे छोटा होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, इतने छोटे हैं कि आम आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ काफ़ी बड़े भी होते हैं और 1 मीटर तक साइज में पहुंच सकते हैं। डाइजेशन और एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनका काफ़ी सिंपल है, और एक लंबी सी एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से शुरू होती है और पूरी बॉडी के अलोंग रन करती है और इन दी एंड एनस के थ्रू जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ है जहाँ से ये खुराक खाता है और दूसरा एनस है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। तो अगर इसकी बॉडी को देखें तो आपको लगेगा कि ये बाहर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बाहर ये जो है बॉडी एक ये ट्यूब लाइक बॉडी है इसकी, और इसके अंदर भी एक छोटी सी ट्यूब आप देख सकते हैं कि ट्यूब के अंदर डाइजेस्टिव कैव ट्यूब जो है वो भरी हुई है। इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये देखने में बिल्कुल ट्यूब विद इन अ ट्यूब लगता है कि एक मोटी ट्यूब के अंदर एक बारीक आपने नाली डाली हुई है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी नालियों पे मुश्तमिल होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नाली यहाँ से यूं चल रही है, और ये नाली जो है ये बॉडी के अंदर फैली हुई होती है नालियाँ, और ये मुंह के करीब एंटीरियर एंड पे सामने वाले यानी कि सर के करीब एक जगह पे आके ये सारी नालियाँ मिलती हैं, और फिर बॉडी के नीचे वाली सरफेस पे वेंट्रल सरफेस के ऊपर एक सुराख होता है जहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर मौजूद है, और इस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है। इनके अंदर एक नर्व रिंग पाया जाता है, एक गुच्छा है न्यूरॉन्स का जो गले के इर्द गिर्द आप ये येलो कलर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रिंग की फॉर्म में गर्दन के इर्द गिर्द फेरिंग्स के इर्द गिर्द मौजूद है। फिर इस नर्व रिंग से बॉडी की डॉर्सल सरफेस के साथ और इसी तरह वेंट्रल सरफेस के साथ और इसी तरह लेटरल साइड्स पे यहाँ पे बॉडी के साथ साथ दरमियान में जो है नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी की लेंथ के अलोंग चलती हैं और एंड तक जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइट वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए आमतौर पे सेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन इसके माउथ के ऊपर एक उभार होता है होंठ की तरह का जिसको हम पपिली कहते हैं, और इन पपिली के अंदर जो है सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्मेल को और टेस्ट वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड की तरफ मूव करके जा सकता है।
इसके अलावा इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक एडवांसमेंट जो इनके अंदर आई है एज़ कंपेयर टू प्लेटिहेलमिंथीस वो ये है कि इनके अंदर प्रॉपर मसल्स मौजूद हैं, और ये मसल्स जो हैं ये दो बैंड फोर बैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं, चार बैंड होते हैं, दो डोर्सो लेटरल हैं और दो वेंट्रो लेटरल है। डोर्सल और वेंट्रल का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बॉडी की जो बैक वाली साइड होती है, कमर वाली साइड, ये रीजन जो है ये डोर्सल सरफेस होती है, और ये जो नीचे वाली सरफेस है ये वेंट्रल कहलाती है, पेट की तरफ वाली सरफेस। अब अगर इस ऑर्गेनिज्म का हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन लें और इसको देखें तो ये जो ऊपर की तरफ आपको नजर आ रही है डॉर्सल सरफेस है, और ये नीचे की तरफ जो है ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। अब डॉर्सल सरफेस, डॉर्सो लेटरल का मतलब है कि थोड़ा सा डॉर्सल सरफेस पे तो होगा लेकिन साइड की तरफ मौजूद होगा, तो एक बैंड जो है मसल्स का वो ये मौजूद है यहाँ पर और एक बैंड यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह वेंट्रल वाला भी नीचे की तरफ एक बैंड ये मौजूद है और एक बैंड ये मौजूद है, तो इस तरह ये चार बैंड है, दो कमर की तरफ हैं, ये दोनों जो हैं कमर की तरफ मौजूद हैं, और ये वाले दोनों बैंड जो हैं ये पेट की तरफ मौजूद हैं, तो दो डॉर्सो वेंट्रल और दो वेंट्रो लेटरल बैंड्स हैं। अब इन बैंड्स की मदद से क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म डॉर्सो वेंट्रली बेंड कर सकता है, यानी कि ये या तो इस तरफ बॉडी को बेंड कर सकता है या फिर इस तरफ को बेंड कर सकता है, दो डायरेक्शंस में बेंड हो सकता है, राइट या लेफ्ट टर्न ये नहीं ले सकता। तो ऑर्गेनिज्म मूव कैसे करता है, तो ये अंडुलेटिंग वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती हैं ऊपर नीचे की तरफ, ये बार बार अल्टरनेटिंगली वेव्स के जरिए से मूव बेंड होता है, और उस बेंडिंग की वजह से ये मूव कर सकता है। इसके अंदर सर्कुलर मसल्स मौजूद नहीं है, सर्कुलर मसल्स आगे हम देखेंगे फाइलम एनिलिडा के अंदर के वहाँ पे सर्कुलर मसल्स होते हैं, और वहाँ पे रिलेटिवली बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो सर्कुलर मसल्स वहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लेकिन नीमाटोडा के अंदर कोई सर्कुलर मसल्स मौजूद नहीं है। फिर बॉडी के अंदर जो है, अब ये रिलेटिवली हमने देखा कि इनके अंदर मसल्स मौजूद हैं, स्केलेटन मौजूद है, तो रिलेटिवली ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं एज कम्पेयर टू प्लेटिहेलमिंथीस, लेकिन ये अभी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है क्योंकि इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं है। तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं है तो ये ऑर्गेनिजम्स सांस कैसे लेते हैं और ऑक्सीजन वगैरह बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसमें कहानी ये है कि आमतौर पे ये बॉडी जो है वो बहुत स्मॉल होती है, हमने बात की कि ये माइक्रोस्कोपिक है, मोस्टली 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो बॉडी बहुत स्मॉल है। अब स्मॉल बॉडी का क्या फ़ायदा होता है, स्मॉल बॉडी का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इनको ऑक्सीजन और इतनी ज़्यादा मिकदार में चाहिए नहीं होती, दूसरी बात ये है कि जो ऑक्सीजन चाहिए वो इनकी बॉडी से डायरेक्टली सरफेस से एब्जॉर्ब होके अंदर, जिन जिन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए वो डायरेक्टली बाहर से एब्जॉर्ब होके अंदर चली जाती है डिफ्यूजन के थ्रू, और क्योंकि बॉडी की मोटाई इतनी नहीं है तो ये बड़ी आसानी से दरमियान के सेल्स जो यहाँ पे सेंटर में सेल्स मौजूद होंगे उन तक भी डिफ्यूजन होकर चली जाती है। अगर बॉडी बड़ी होती तो फिर डिफ्यूजन के जरिए से ट्रांसपोर्ट ना हो पाती और उस वक्त कोई प्रॉब्लम होनी थी और उस वक्त ज़रूरत पड़ती सर्कुलेटरी सिस्टम की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो इस वजह से इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलबत्ता इनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स मौजूद है, टेस्टिस और ओवरीज मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे ये एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो ये यहाँ पे आपको येलो कलर में जो है ये इसकी ओवरी नजर आ रही है लार्ज साइज में, और आप देख सकते हैं बॉडी का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ने और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने घेरा हुआ है। सेक्सेस आमतौर पे सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि मेल्स जो हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करके एग्स को फर्टिलाइज करते हैं,
और एग जो है वो डेवलप होता है जाइगोट में, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद एक लार्वा स्टेज भी होती है। अक्सरियत जो वर्म्स हैं, नीमाटोड्स हैं, ये पैरासिटिक होते हैं और ये एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। मिसाल के तौर पर एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस है, ये ह्यूमन इंटेस्टिनल पैरासाइट है, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। आप यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि काफी एक शख्स ने काफी सारे जो है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस पकड़े हुए हैं हाथ में, और ये जो वर्म्स हैं ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो नीमाटोड्स, मिसाल के तौर पे रेबडाइटस जीनस के बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो सॉइल के अंदर, फीसिस में और पानी के अंदर मौजूद होती हैं। ये यहाँ पे आपको सॉइल सैंपल से माइक्रोस्कोप के जरिए से ली गई एक तस्वीर दिखाई है जिसके अंदर काफी सारे रेबडाइटस वर्म्स मौजूद हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर और भी बहुत सारे जो हैं इम्पोर्टेंट वर्म्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस एक वर्म है, नीमाटोड वर्म है जिसको हम कॉमनली पिन वर्म कहते हैं, और ये सारी दुनिया में होता है और ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा एंटीरोबियस के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। यहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये येलो कलर में दिखाई गई है। तो अब ये जो वर्म्स हैं ये आमतौर पे जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग होती है इसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ये वहाँ पे जब इंटेस्टाइन के अंदर रह रहे हैं तो ये ऐसे केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, या इनकी मूवमेंट की वजह से ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इनफ्लेम हो जाती हैं, यानी कि इनके अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है और उसकी वजह से फिर इसमें इचिंग होती है, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर इनसोमनिया, यानी कि इंसान को प्रॉपरली नींद नहीं आती और भूख खत्म हो जाती है। ये बीमारी जो है वो आमतौर पे छोटे बच्चों में 10, 6 से 12 साल के बच्चों में आमतौर पे कॉमन होती है, और इसको उर्दू में हम इस बीमारी को चनूने कहते हैं। इसकी वजह से एनस के रीजन में इस जगह पर जो है शदीद किस्म की ख़ारिश होती है, और ख़ास तौर पे रात के वक्त जब फीमेल्स अंडे देने के लिए इस जगह पे आती हैं तो ये जो है उसकी वजह से इचिंग शुरू हो जाती है और इंसान सो नहीं सकता और भूख जो है बच्चे की वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह एक और काफ़ी डेंजरस नज़र आने वाला पैरासिटिक वर्म जो है वो है एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा डुओडिनेल। एनसाइलोस्टोमा डुओडिनेल को हम हुक वर्म भी कहते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है जो कि एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के अंदर कॉमनली पाया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड पी के जिंदा रहता है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो माउथ है इसके ऊपर ब्लड सक करने के लिए स्पेशल टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके जरिए से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई को पंक्चर करता है और वहां से ब्लड कैपिलरीज से खून पीता है। अब खून पीने के लिए इसके अंदर एक बहुत अच्छी एडाप्टेशन, जो इसके लिए तो अच्छी है, इसके होस्ट के लिए नुकसानदेह है, वो ये है कि ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हम एंटी कोगुलेंट कहते हैं। एंटी कोगुलेंट ऐसा केमिकल है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, यानी कि जब ये इंटेस्टाइन के अंदर सुराख करता है तो कहीं वहाँ अचानक से ब्लड जम ना जाए, तो उस ब्लड को फ्लो करते रहने के लिए एंटी कोगुलेंट इसके थूक के अंदर शामिल होता है, और ये एंटी कोगुलेंट जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर ये इंजेक्ट कर देता है जहाँ पे इसने सुराख किया होता है। अब उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और खून रुक नहीं पाता। इवन जब ये अपना फूड मुकम्मल खून पी के पेट भर के फारिग हो जाता है तो उसके बावजूद भी उस जख्म से ब्लीडिंग नहीं रुकती, और उसके नतीजे में फिर अनीमिया हो सकता है, यानी कि अनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, यानी कि खून की
कमी हो सकती है, और उसकी वजह से फिर बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो सकती। इसके अलावा बहुत सारे निमाटोड्स जो हैं वो सॉइल के अंदर बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। फ्रीलिविंग निमाटोड्स भी हैं, ये तो चंद एक थे जो बीमारियां पैदा करने की वजह से बदनाम है। बहुत सारे निमाटोड्स ऐसे हैं जो सॉइल के अंदर फ्रीली रहते हैं और बहुत कॉमन होते हैं, और सॉइल के अंदर ये ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा के जिंदा रहते हैं। और मिसाल के तौर पर सिंगल रॉटिंग एप्पल जो है, जो अगर कोई सेब खराब हो रहा हो तो उस एक सेब के अंदर 90,000 तक निमाटोड वर्म्स, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे वर्म्स मौजूद हो सकते हैं। और एक एकड़ सॉइल के अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ निमाटोड्स मौजूद हो सकते हैं जो नेचुरली वहां पर मट्टी को मट्टी में से ऑर्गेनिक मटेरियल रिमूव करने का काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए हैं नीमाटोड, फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स। नीमाटोडा का लफ्जी मतलब हमने कहा के पॉइंटेड एंड्स होता है, और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइलेटरल सूडोसिलोमेट हैं। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो सूडोसिलोम होती है। इसके अलावा हमने देखा कि इनके अंदर प्लेटिहेलमिंथीस की निस्बत रिलेटिवली एडवांस्ड फीचर्स हैं। मिसाल के तौर पे इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन हमने देखा कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पैरासिटिकली लाइफ गुजारते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग हैं। थैंक यू वेरी मच।